अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर दानियाल खान। टुडे अगेन वी आर हियर इन ऑनलाइन क्लास और टुडे फिजिक्स फॉर क्लास 9th में जो हमने प्रीवियस क्लासेस में जो हमने टॉपिक्स क्लियर किए तो उन्हें था कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और किसी भी वेक्टर अगर किसी एंगल पर है तो उसको रिजॉल्व करने का जो तरीका है वो हमने सीखा था। आज उसकी बेस पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 5.6। कंपोजिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का जो फार्मूला है वो है f इक्वल टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। और आपको एंगल मालूम करना है थीटा, तो थीटा के लिए आपके पास फार्मूला है टेंजेंट इनवर्स fy ओवर fx, मतलब और वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। 5.6 में जो डेटा गिवन है x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट, पार्ट वन है 5 किलोमीटर एक्स कंपोनेंट, 3 किलोमीटर वाई कंपोनेंट, पार्ट टू में 7.5 किलोमीटर एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट 18 किलोमीटर एंड पार्ट थर्ड में 5.3 किलोमीटर एंड 43.8 किलोमीटर। फाइंड क्या करना है हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है और उसके साथ हमें थीटा मतलब एंगल मतलब डायरेक्शन मालूम करनी है। ठीक, तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे सबसे पहले रिजल्टेंट f = fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। अब देखें x कंपोनेंट पार्ट 1 में 5 और y कंपोनेंट कितना 3, तो fx की जगह 5 का स्क्वायर और fy की जगह 3 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25 प्लस 3 स्क्वायर 9, इनको ऐड करेंगे 34 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, जवाब आएगा 5.83 किलोमीटर। For finding the angle theta, we have formula theta is equal to tangent inverse fy over fx. Fy की value 3, fx की value 5, 3 divided by 5 0.6 और 0.6 का जब आप tangent inverse मालूम करेंगे तो आपके पास angle आएगा 31 degree. ठीक, पार्ट टू सेम एज इट होगा लेकिन डेटा चेंज है, एक्स कंपोनेंट आपके पास 7.5 और वाई कंपोनेंट आपके पास 18 है। 7.5 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, 7.5 का स्क्वायर 56.25 प्लस 18 का स्क्वायर 324, इनको ऐड करेंगे जवाब आएगा 380.25, इसको स्क्वायर रूट से बाहर लेके आएंगे तो 19.5 किलोमीटर। एंड फॉर फाइंडिंग द थीटा वी हैव टेंजेंट इनवर्स fy ओवर fx, 18 डिवाइडेड बाय 7.5, इस टर्म का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2.5 और टेंजेंट इनवर्स 2.5 आपके पास बनेगा 67.38 डिग्री एप्रोक्सीमेटली। ठीक, जो नंबर थर्ड है x कंपोनेंट आपके पास है 5.3 किलोमीटर एंड y कंपोनेंट है 43.8 किलोमीटर। ये जो है ये आपका HW है, होमवर्क है, ये असाइनमेंट है, इसको आप खुद करेंगे और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम 5.6, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।